भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एकमात्र टी20 मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के ओपनर एविन लेविस की तूफानी पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से मात दी। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 191 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 18.3 ओवर में ही सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर आसानी से जीत गई। लेविस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 12 छक्के और 6 चौके लगाए और अपनी शतकीय पारी से भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। लेविस का टी20 करियर का यह दूसरा शतक है। खास बात यह है कि उन्होंने दोनों ही शतक भारत के खिलाफ लगाए हैं। साल 2016 में फ्लोरिडा में खेले गए टी20 मैच में भी लेविस ने टीम इंडिया के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा था। वहीं वेस्टइंडीज की जीत में अहम योगदान देने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है। उनके अलावा मर्लन सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज के लिए 29 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए। इसके पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कोहली और धवन ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। कोहली 22 गेंदों में 39 रन बनाकर विलियम्स की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद धवन भी 23 रन बनाकर चलते बने। तीसरे नंबर पर आए कार्तिक ने 29 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 48 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों पर 38 रन बनाए। क्रीज पर आए धोनी भी अपना कमाल नहीं दिखा पाए और 2 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को बल्ले और गेंद से धराशायी कर दिया। एविन लेविस के चौके छक्कों के आगे भारतीय गेंदबाजों की तैयारियों की पोल खुल गई और एकमात्र टी20 में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। देखते रहिए डीबी लाइव।